का नाम सुने थे कलकत्ता में, कलकत्ता में उसको बोल मार के बोल कील में ठोक करके उसको बोल जो गाड़ दिया इससे बोल जीवित हो गया है ऐसा चीज हम सुने थे कि मुर्दा है। हाँ कलकत्ते में सुने थे कि वैसा आदमी जब जीवित हो सकता है तो उसको शैतान है, उसके नाम से हम थोड़ा सा घृणा मांगने लगे, यीशु मसीह के नाम से। किसी के नाम सुनकर उसके नाम से घृणा करने वाला व्यक्ति जब बीमार पड़ता है और बीमारियों से वो हर एक जगह जाकर थक जाता है, और जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और जब प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर फूट फूट के रोने लगता है। आने के बाद में जब फर्स्ट ईयर हुआ, गीत नाथ हुआ, सब कुछ होने के बाद में जब प्रवचन होने लगा प्रभु जी का, जब प्रभु जी के वचन होने लगा, जब हम रिसीव किए ना, मेरे आत्मा से रो उठा, मेरे आत्मा से रो उठा, और उस जब तक सर ने वचन किया तब तक मेरा आंख से आंसू चलते रहा। और जब वो रोने लगता है और जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को बदल देता है, तब उसका वचन क्या होता है प्रभु के प्रति, आप इस वीडियो को देख। इसके पहले हम बहुत एकादशी किए, बहुत सा त्योहार किए कि किसी भी मेरा शरण यदि आत्मा संतुष्ट हो तो मैं उसमें पकड़ के रहूं, लेकिन किसी में संतुष्ट आत्मा नहीं मिला। वो हम आपका बिना नहीं जी सकता हूं। जी मेरा नाम रामदेव दास है और लक्ष्मीपुर टंगारा मेरा घर है, जिला जमुई है जी। पहले का जीवन आपका कैसा था? मेरे पहले के जीवन में 12 साल के जब 14 साल का उम्र था ना, उस टाइम में हम कलकत्ता गए थे जी, 1985 में जी। 1985 में प्रभु यीशु मसीह का नाम सुने थे कलकत्ता में, कलकत्ता में जी। तो वहाँ सुने कि एक नया बल उत्पत्ति है, उत्पत्ति बल लिया है, सो जो उसको बल मार के बल कील में ठोक करके उसको बल जो गाड़ दिया फिर से बल जीवित हो गया है, ऐसा चीज हम सुने थे कि मुर्दा है। हाँ कलकत्ते में सुने थे कि ऐसा आदमी जब जीवित हो सकता है तो उसको शैतान है, उसके नाम से हम थोड़ा सा घृणा मांगने लगे, यीशु मसीह के नाम से। उसके बाद से जब हमारे पर जब प्रॉब्लम आने लगा ना, तो मेरे पता नहीं चलता गया, समय चलते गया, लेकिन मेरे पर प्रॉब्लम आती रहा। क्या आता था? मैंने कभी पैरों में दर्द, कभी पैर में जलन, कभी हाथ में जलन, कभी फिट हो जाना, तीन बार मरते मरते अधलोक से फिर वापस आए, मेरे समझ में नहीं आ रहा, समय मेरा चलते जा रहा है। कितना दिन तक मतलब बीमारी रही? ये अभी तक यही 3 साल पहले तक आते रहा जी। 1985 से लेकर के 2019 तक हमारा चलते रहा बीमारी जी। मेरा समझ में नहीं आ रहा। मेरे गांव का बहू है वो चर्च मिशन में आता था, तो वही मेरे परिवार को बोला कि देखिए ऐसा ऐसा जब होता है भैया को, तो एक काम कीजिए जे उसको थोड़ा चर्च में ले जाइए, देखिए भैया यदि वहाँ सुधर जाए ठीक हो जाए तो लग जाइए। ते चीज हमको मालूम नहीं हुआ था। मेरे पत्नी एक हफ्ता एक चर्च पहले एक संडे को आया, वो आया समझ बूझ के चला गया, मेरा जानकारी नहीं हुआ। हम पूछे कहाँ जा रहे थे, बोल जा रहे कल जाओ, आया बताया नहीं आपको, बताया नहीं हम। उसके बाद घूर संडे जब आया ना, हमको बोला कि एक ठो बात बोलियो, कहली क्या, बोल थोड़ा बल चर्च मिशन चलिए से, बोल हम एक चर्च गए हमको कुछ समझ में नहीं आता है से, आप बोल थोड़ा चलिए समझ बूझ लीजिएगा, अच्छा लगेगा तब रहेंगे, नहीं अच्छा लगेगा फिर छोड़ देंगे। उसमें बीमारी था आपको? उसमें बीमारी था जी। तब बोला अच्छा ठीक है, ये बात जो तुम बोला है ना बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगेगा तब रहेंगे, और नहीं अच्छा लगेगा तो खाली सुन समझ के चले आएंगे, तब चलो हम जाएंगे। जब चर्च हम आए हैं जी, चर्च आने के बाद में जब फर्स्ट ईयर हुआ, गीत नाथ हुआ, सब कुछ होने के बाद में जब प्रवचन होने लगा प्रभु जी का जी। जब प्रभु जी के वचन होने लगा, जब हम रिसीव किए ना, मेरे आत्मा से रो उठा, मेरे आत्मा से रो उठा, और उस जब तक सर ने वचन किया तब तक मेरा आंख से आंसू चलते रहा।
इसके पहले हम बहुत एकादशी किए, बहुत सा त्योहार किए कि किसी में मेरा शरण यदि आत्मा संतुष्ट हो तो मैं उसमें पकड़ के रहूं, लेकिन किसी में संतुष्ट आत्मा नहीं मिला। इसके लिए मेरा समय चलते रहा। लास्ट में जब यहाँ पर आए, जब प्रवचन हुआ, जब मैं आत्मा से जब मेरा रोल निकला तो प्रभु के हम सुन करके हम लगा कि मेरे आत्मा में शरण यही मिलेगा, मेरे आत्मा में शरण यही पाएंगे और यही मेरा मुक्ति संतुष्ट हो जाता है। हाँ, मेरा जैसा हम खोए रहे थे वैसा मेरा यही मिला है। बीमारियां हो रही, जो बीमारी आया यहाँ पर जब हुआ, जब प्रार्थना हुआ, प्यार किया ना, मेरा उसी दिन से मैं चंगा हो गए। एक ही दिन में हम चंगा हो गए। जब घर गए तो मेरा पत्नी बोला, क्या कैसा हुआ, अच्छा लगा? बोला देखिए हम तो चर्च गए हैं लेकिन हर चीज मेरा ढूंढने से कहीं नहीं मिला, लेकिन चर्च में ही मिला। तो उस समय आपको ये नहीं लगता था कि मतलब जिसका हम विरोध कर रहे थे वही? नहीं, उस चीज में हमारा नहीं लगा कि हम इसका विरोध कर रहे थे। नहीं, वो ये जिस टाइम में किए थे उस टाइम में हम भूल गए, लेकिन यहाँ आने के बाद में जब मेरा यहाँ विश्वास हम जब किए हैं और जब मेरा सुकून मिला तो फिर हम इसमें प्रण हम खा लिए, कसम भी खा लिए कि प्रभु हम आपका बिना नहीं जी सकता हूँ। कौन कौन सा बीमारियां थे उस टाइम में? बीमारियां मेरा पैर में दर्द था, लहर था, जलन था, यहाँ से जलन था, लगता से मिर्गी जैसा। कितने पैसा उसमें लगा चुके थे? पैसे तो जितना लगाए लेकिन सहन बहुत किए, तकलीफ जवानी से बहुत सहन बर्दाश्त किए, लेकिन जब बर्दाश्त से बेसंहार हो गया ना, तब तो सोचे कि अब मर जाना ही अच्छा है, अब जीवित रहना ठीक नहीं है। तो प्रभु में जब आए तो आप चंगा ही पाए? हाँ, प्रभु में जब आए तब तो हम बिल्कुल खुश हो गए। तो आज विरोध करते हैं? आज विरोध नहीं करते हैं। आज तो हम इसको कहीं कहीं बोलता है कि यीशु मसीह वाला आदमी ऐसे कर रहा, उसे कर रहा, ऐसे करता है, उसे करता है, के लिए बोलते हैं। देखिए, यीशु मसीह वाला आदमी ऐसा नहीं करता है, आम पब्लिक उसका नाम बेच करके उसका बुराई बकता है। यीशु मसीह वाला आदमी ऐसा नहीं बोलता है। धर्म परिवर्तन, ओ जो बोलता है कि पैसा दे करके बोल परिवर्तन कर रहा है, धर्म परिवर्तन करता है, वो सब अफवाह है। कोई धर्म परिवर्तन मतलब नहीं है। सही में चंगा मेरा सही है और सही में चंगा हुआ है, इसलिए हम प्रभु में सही बोल रहे हैं। सारी बीमारी को हमने दूर कर दिया प्रभु। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कहीं नहीं जाते, सिर्फ चर्च जाते। कौन सा चर्च में जाते हैं? नजारी जिला। कौन पास्टर? सत्यम गौतम। तो आप देख सकते हैं जो हमारे बीच में चाचा हैं वो बता रहे हैं कि वहां जाने के बाद इनको प्रभु चंगा किया और बिल्कुल आज स्वस्थ हैं, चंगे हैं। मेरे प्रियो, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह।